गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट क्या होती है? इंडिया की कैपिटल मार्केट जो है या कोई भी कैपिटल मार्केट जो होती है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी वो चीज़ तो हम करके आए हैं, उसके अंदर जिस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में आप डील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसे हम टू दो सेगमेंट्स में आप कह सकते हो डिवाइड करते हैं। एक है जहाँ पे डेप्ट मार्केट, जहाँ पे डेप्ट सिक्योरिटीज़ जो होती है उनमें डील किया जाता है, और दूसरी है इक्विटी मार्केट जहाँ पे जो इक्विटी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें डील किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में दैट इज़ डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट किस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें डील करती है। डेप्ट में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे आपके बॉन्ड्स आ गए, लोन्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, जिनके ऊपर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होता है, मतलब जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। तो जो डेप्ट मार्केट है वो मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स की। इसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ मार्केट भी आप कह सकते हैं। तो जो इंडिया की डेप्ट मार्केट है वो अमंग दी लार्जेस्ट डेप्ट मार्केट्स हैं एशिया में, और यहाँ पे बेसिकली जिसमें आप डील करते हैं उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं जो इसका लार्जेस्ट कंपोनेंट है, और जो बॉन्ड्स इशू करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अदर गवर्नमेंट बॉडीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड कंपनीज़, इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडीज़, और दूसरा जो कॉरपोरेट सेक्टर इशू करता है। तो जो डेप्ट मार्केट है उसका जो दूसरा नाम है फिक्स्ड इनकम मार्केट है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स है तो उन्हें आप मनी मार्केट में डेप्ट का जो सेगमेंट है मार्केट का उस वहाँ डील करते हैं, और अगर मोर देन 12 मंथ्स है मतलब मोर देन 1 ईयर है तो उनको आप कैपिटल मार्केट का जो पार्ट होता है डेप्ट सेगमेंट जो होता है वहाँ पे डील करते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे ऑब्लिगेशन है इशुअर के ऊपर, जो इंस्ट्रूमेंट इशुअर इशू कर रहा है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना पड़ेगा, और इश्यूअर पे करेगा लीगल ऑनर्स को इंस्ट्रूमेंट्स के ऑन अ फ्यूचर डेट। तो जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, अभी हमने बात की बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा हो सकते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट बैक एजेंसीज इशू कर सकती हैं, कंपनीज इशू कर सकती हैं फंड्स को रेस करने के लिए। डेप्ट मार्केट जो है इसमें डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी ट्रेड किया जाता है। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव्स भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव्स का अगर सिंपल टर्म्स में मीनिंग समझिए तो इसमें एक अंडरलाइंग एसेट होती है, उस एसेट के प्राइस के बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हो कि फ्यूचर में उस एसेट को आप कितने प्राइस पर खरीदोगे या बेचोगे, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। जो अंडरलाइंग एसेट है वो कुछ भी हो सकती है, कोई कमोडिटी हो सकती है, मनी हो सकती है, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जैसे वीट हो गया या गोल्ड हो गया या कोई अदर वारंट हो गया, तो कुछ भी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है। देन आता है हम इंडिया की जो डेप्ट मार्केट है उसे दो सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट और दूसरा है आपका कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है इसे गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ मार्केट भी कहा जाता है। गिल्ट एज इसे क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न क्या है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो सेफ होती हैं, कि अगर आपने गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज़ हैं वो खरीदी तो आपका प्रिंसिपल भी सेफ है प्लस आपका इंटरेस्ट भी सेफ है, गवर्नमेंट कभी उस चीज़ के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, इसीलिए इन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये सेफ होती हैं एज रिगार्ड्स टू कैपिटल एंड इनकम। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़। जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ मार्केट है वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट मार्केट है इंडिया की, और ये बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट का। ये डील करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब है जो भी मार्केटेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट इशू कर रही है, चाहे वो सेंटर की है चाहे स्टेट की है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो आप किसको क्लेम करेंगे? गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम वो बनता है।
देन आता है आपका कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज मार्केट। कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज में आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं डेब्ट के? डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा हो गया, जो कंपनीज इशू कर रही हैं। जैसे डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक लॉन एक्नॉलेजमेंट होती है एक सर्टिफिकेट में, जो कंपनी है वो अपनी सील लगा के उस सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है कि जो कंपनी है उसने इस पर्सन से इतने अमाउंट का जो डेब्ट है वो लिया है और वो उसे इतने टाइम पीरियड के बाद वापस करेगी और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इस रेट से देगी। रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है डेब्ट टेकन बाय दी कंपनी की और इशू होता है अंडर द सील ऑफ दी कंपनी। देन आता है, और अगर आप रेस कर रहे हो मनी बाय इशू ऑफ डिबेंचर तो उसे लोन कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ डेब्ट मार्केट। डेब्ट मार्केट डील करती है डेब्ट सिक्योरिटीज़ में। जो सिक्योरिटीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लोन होती है, और रिलेशन किसके बीच में बना? यहाँ बॉरोअर और लेंडर के बीच में। लेंडर के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई पैसा इन्वेस्ट करने की, और बॉरोअर अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट आउट कर सकता है। डेब्ट मार्केट्स में दोनों, बोथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूड होते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो डेब्ट के लिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं। जैसे कैश मैनेजमेंट बिल का जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेस देन 91 डेज का हो सकता है, जबकि कुछ गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है जो 40 ईयर्स तक की भी होती हैं। देन जो इन्वेस्टमेंट अगर आप डेब्ट मार्केट में कर रहे हो तो उसे सेफ समझा जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज़ रहता है, वो कम नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर हम उसे करें इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो सकता है, लेकिन डेब्ट मार्केट में कम नहीं हो सकता। देन इन्वेस्टमेंट जो डेब्ट मार्केट में आप करते हो वो लिक्विड होती है। मैच्योरिटी पीरियड हर एक सिक्योरिटी का अलग है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स ऑन डेब्ट सिक्योरिटीज़। जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेब्ट मार्केट में जिसमें आप डील करते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में भी एंड कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज मार्केट में। लाइक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है ट्रेजरी बिल्स में, कैश मैनेजमेंट बिल्स में, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जीरो कूपन बॉन्ड्स में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में, स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स में, बॉन्ड्स विद कॉल पुट ऑप्शंस में। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आप डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है आप अपने फर्स्ट चैप्टर में भी अंडर दी हेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट, डेब्ट मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, ग्रुप्स कौन से हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डेब्ट मार्केट में। तीन इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हम इसमें कहते हैं, एक जो सप्लाई कर रहा है फंड्स की, दूसरा जो बोरो कर रहा है फंड्स को, और तीसरा जो बोरोअर और लेंडर जो हैं उनको मिला रहा है। तो तीसरा इंटरमीडियरी वाला आपका ग्रुप हो गया। तो पहला जो ग्रुप है लेंडर सेक्टर जिसे हम कह रहे हैं, वो सप्लाई करता है फंड्स को। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो आपको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें बेसिकली आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएफसीआई।